Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. फोर्ब्स इंडिया की 30 अंडर 30 लिस्ट सेलिब्रेट कर रही है युवा शक्ति को, और मैं हूं ऐसे ही खास सोशल एंटरप्रेन्योर्स की जोड़ी के साथ जिन्होंने रिसाइकलिंग का एक नया चैप्टर हमारे सामने खोल दिया है। हेल्प अस ग्रीन ये काम करते हैं कानपुर से, और इसको चलाने वाले दो फाउंडर्स अंकित अग्रवाल और करण रस्तोगी मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। वैसे अंडर 30 के एज ग्रुप में जो युवा होते हैं वो अपने दोस्तों को या कहूँ लड़कियों को फूल भेजते हैं, लेकिन आप फूलों को रिसाइकिल कर रहे हैं, एक अलग लेवल पर लेकर जा रहे हैं। क्या है ये हेल्प अस ग्रीन, अंकित आपसे समझना चाहेंगे, और फूल भेजने की जगह रिसाइकिल क्यों कर रहे हैं? तो मैम, हम लोग करते हैं कि जो मंदिरों में फूल इकट्ठा होते हैं, हम लोग वो फूल कलेक्ट करते हैं और उससे हम खाद बनाते हैं, उससे हम बिना कोयले की अगरबत्ती बनाते हैं। जो नॉर्मली मार्केट में हमारे पास अगरबत्ती मिलती है वो कोयले से बनी होती है, तो हमने अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू अगरबत्ती से कोयला रिप्लेस किया। और दूसरा, अभी हम लोग ने एक और स्टेप आगे बढ़े हैं और हम लोग ने थर्माकोल बनाई है फूल से, जो कि करीब 27% सस्ती है नॉर्मल थर्माकोल से, उसमें कुछ भी केमिकल नहीं है और कम्प्लीटली वेस्ट फ्लावर से बन रही है। और ये कम्प्लीटली जो मंदिरों से जो फूल निकल रहा है वेस्ट की तरह फेंका जा रहा है, नदियों में बहाया जा रहा है, उससे बना रहे हैं आप? हाँ, आप खाद बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, थर्माकोल बना रहे हैं, लेकिन जब ये सब आपने सोचा, एक तो बहुत ही जब रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं ना तो लोग कुछ ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो वहाँ पे कन्विंसिंग में दिक्कत आई? शुरू में हम लोग को बहुत दिक्कत आई, मतलब शुरू में तो इवन फैमिली नहीं मान रही थी, जॉब छोड़ा था और सब लोग को लगता था। फैमिली का क्या रिएक्शन था? देखो, रिएक्शन इसके घर में तो कहा गया था कि तुम अब ऑटोमेटिक इंजीनियर की जॉब छोड़ के तुम मंदिर का कचरा साफ करोगे, और मेरे घर में कहा गया था कि तुम्हें क्या करने की जरूरत पड़ गई है, तुम बाहर से पढ़ के आयो सिर्फ ये करने के लिए। हाँ, कचरा कैसे उठाओगे? Exactly. लेकिन अब आप हैं फोर्ब्स की 30 अंडर 30 लिस्ट में, तो कैसा महसूस हो रहा है उससे लेकर के अभी तक के सफर 2015 और अब 2018 में आप 30 अंडर 30 के लिस्ट में? इट्स अ बिग सरप्राइज, वी आर हैप्पी। बहुत बड़ा सरप्राइज। और घर वाले खुश है? कचरा उठाने वाले लड़के फोर्ब्स इंडिया की लिस्ट में? अभी तक उनको पता भी नहीं हुआ। हाँ, नहीं पता। तो खुश, लेकिन वैसे खुश है आप? yes, जिस तरह से काम yes, कर yes, रहे हैं yes, yes. तो मुझे ये बताइए, अब बिजनेस पार्ट पे बात करते हैं, ये जो पूरा फ्लावर साइकिलिंग है, अब ये भारत के लिए नया कॉन्सेप्ट है, इसके लिए फंडिंग का सफर आपके लिए कैसा रहा, और अभी आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं? अभी तो आप सिर्फ कानपुर, कन्नौज, उन्नाव के एरिया में ही काम कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग काफ़ी लकी रहे हैं, तो नाउ हम लोग को टाटा की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स मिला है, हमें काफ़ी फॉरेन ग्रांट्स मिले हैं, यूनिलीवर से मिला है, DBS MUS से मिला है, हमने करीब 4.25 करोड़ रुपए का पहला अपना राउंड उठाया है, जो हमने 72,000 रुपए से कंपनी शुरू की थी 2015 में, आज वो बड़ी हो चुकी है। हम रोज़ाना आज की तारीख में 4,400 किलो फूल रोज मंदिरों से कर उठा रहे हैं। इसके बाद हमारा पहला प्लांट बना है कानपुर में, करीब 22,000 square feet की फैसिलिटी है। इसके बाद अभी हम लोग मथुरा, वृंदावन और वाराणसी दोनों जगह हमारे प्लांट्स बन रहे हैं। टोटल हमारा एम है कि 2019 तक हम दिन में करीब 50 टन फूल रोज कर पाएँ और 1100 लोगों को नौकरी दे पाएँ। तो फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग मिलने में मुश्किल रही ये समझाने में कि आप क्या कर रहे हैं, आइडिया आपका जो था? देखिए, एक लोगों का सेंटिमेंट होता है, क्योंकि फंडिंग से लोग सिर्फ IT को समझते हैं, और लोग हमेशा सबसे पहले कहते थे तुम लोग मशीन लगा लो और महिलाओं से काम मत करो। बट हमारा विज़न क्लियर था, मैंने कहा अगर मशीन लगेगी तो मैं फंडिंग नहीं लूँगा और मैं काम ही नहीं करूँगा, मुझे काम उनका अपलिफ्टमेंट के लिए करना है, उनके बेटरमेंट के लिए करना है। तो आज की डेट में हम लोग का जो बेसिक एम होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, उनका है सेल्फ रिस्पेक्ट, तो हम उनको वो सेल्फ रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो उनको आज तक कभी सदियों में मिला ही नहीं। तो ये कौन सी महिलाएं हैं जो आप लोगों के साथ काम कर रही हैं? जो पहले महिलाएं जैसे कि नालियां साफ करती थी, सीवर साफ करती थी, हम उन्हें एम्प्लॉय करते हैं, तो उनमें एक फ़र्क पड़ता है जब वो मंदिर के फूल के साथ काम करते हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, हम उन्हें टॉयलेट्स फ्री, मतलब ड्रिंकिंग वाटर फ्री, टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट्स, बस सर्विस, तो एक प्रॉपर फैसिलिटी जैसे वर्क करती है, हम उनको वो सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ताकि उनको ये ना लगे कोई फ्री में पैसा दे के जा रहा है। तो और ये मंदिर और मस्जिद फूल
देने के लिए आगे आते हैं, आपको संपर्क करते हैं, उनका क्या रिएक्शन मिला? अब आज की तारीख में हम लोग को मतलब पूरे इंडिया भर से कॉल्स आते हैं कि लोग ये करना चाहते हैं, इवन मतलब मंदिर के जो कमेटी वगैरह होती है, तो हम लोग धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। एटलीस्ट वो एक आइडिया वैलिडेट हो गया है कि जब शुरू में हम जाते थे तो लोग मानते नहीं थे, अब आज की तारीख में कानपुर शहर से कोई भी फूल गंगा में नहीं जा रहा है, तो यही चीज हम मथुरा, वृंदावन और वाराणसी में कर। बिल्कुल, ये अचीवमेंट है कि आप गंगा को साफ रखने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो लेकिन अब हेल्प अस ग्रीन जो है कानपुर से आगे भी बढ़ने वाला है, कहाँ कहाँ जाने का भी इरादा है? तो हम लोग 4 शहर टारगेट कर रहे हैं, मथुरा, वृंदावन और वाराणसी और थोड़ा हरिद्वार, जहाँ बिल्कुल की मंदिरों का गढ़ है। तो वहाँ आप कैसे एक्सपैंड कैसे करेंगे, आप अपने लोग वहाँ पर ले जाएंगे या वहाँ से फूल कानपुर आएंगे और फिर नहीं, वहीं पे फैसिलिटी सेट होगी और वहाँ पे थर्माकोल के प्लांट्स लगेंगे दोनों जगह। और थर्माकोल भी जो है एक तरह से काफी इसको भी माना जाता है एक बड़ा पोल्यूटेंट है, इसको भी वर्ल्ड का 5th बिगेस्ट पोल्यूटेंट है, उसको बनाने में कैंसर वाली गैसेस रिलीज की जाती है, सारा मतलब ये समझिए कि हम धरती से पेट्रोल निकाल रहे हैं, उसकी थर्माकोल बना के उसको धरती में डाल दे रहे हैं। 90% थर्माकोल जो है वो सिंगल यूज होता है, एक बार यूज हो गया उसके बाद वो फेंक दिया जाता है और वो नॉन डिकम्पोजेबल होता है, मतलब वो कभी मिट्टी नहीं बनेगा, वो अर्थ में हमेशा ही रहेगा। सो हमारा थर्माकोल, उसको हम फ्लोराफॉर्म कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल है और सस्ता है, 27% सस्ता है। और आप केवल भारत में ही धूम नहीं मचा रहे हैं, अब विदेशों तक आप पहुंच रहे हैं। करण, थोड़ा सा शेयर कीजिए कि कैसे बाहर के लोग आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, आप भी बाहर जाना चाहते हैं? डेफिनेटली हम लोग भी बाहर जाना चाहते हैं, हम लोग की इसके लिए एक यूरोपियन टीम है 4 मेंबर्स की, जो कि पूरे यूरोपियन यूनियन में हमारे साथ मिलकर उन प्रोडक्ट्स को फैला रही है और प्लस उस कंसेप्ट को वैलिडेट और बेहतर स्तर पर कर रही है कि हम इसको और कैसे एक विश्व का एक मोटिव बना सकें कि हाँ इससे भी कुछ होता है। हम लोग को करीब 25 करोड़ रुपए के ग्रांट्स मिले हुए हैं, एक्वाइंग ग्रीन करके एक बहुत बड़ी फेलोशिप होती है उससे मिला है, फिर काफ़ी बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स हैं, तो और उनसे नेटवर्क मिलता है, सीखने मिलता है। ये जो आपके प्रोडक्ट हैं इनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है, ये जो अगरबत्तियाँ आप बना रहे हैं, ये कॉम्पोस्ट आपने मुझे दिखाया, आप बहुत ही इनोवेटिव पैकेजिंग कर रहे हैं। तो हम लोग ने हमेशा से अपने मतलब प्रोडक्ट को हमने आज तक 1 रुपए मार्केटिंग में नहीं स्पेंड किया, ये हमेशा वर्ड टू वर्ड मतलब वर्ड ऑफ माउथ या फिर कोई आर्टिकल पढ़ के या जैसे प्रोग्राम देख के ही हमारी सेल्स होती है। और हम लोग ने जैसे हिंदुस्तान में एक चीज़ है कि अगर किसी कैलेंडर या किसी कार्ड या किसी अगरबत्ती के डिब्बे पर भगवान की फ़ोटो होती है तो लोग उसे कभी कचड़े में नहीं डालते, लोग उसे या तो मंदिर पर छोड़ देते हैं या फिर पेड़ के नीचे छोड़ देंगे या नदी में डाल देते हैं। तो हमने ये किया है, हमने अपने पैकेट्स को में तुलसी के बीच का सेलुलोज एम्बेड किया है, तो एक बार जब आप प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए तो उसके बाद आप उसे मिट्टी में गाड़ दीजिए, थोड़ा पानी डालिए, धूप दीजिए, तो उससे तुलसी के पौधे उग के आएंगे। बिल्कुल, तो आप दोनों का शुक्रिया। लेकिन ये बताइए, फोर्ब्स इंडिया की इस लिस्ट में आकर के सबसे पहले किसे मन किया कि ये बताया जाए? पहले तो एक ही दूसरे को फोन किया था। तो आपकी दोस्ती भी वैसी जय वीरू वाली दोस्ती है? हाँ, बिल्कुल पक्की दोस्ती। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। चलिए, आपकी दोस्ती भी बनी रहे और आपका प्रोडक्ट भी ऐसे ही बिकता रहे, और फिर से एक बार फोर्ब्स इंडिया की 30 अंडर 30 लिस्ट में आने के लिए बहुत बहुत आप दोनों को बधाई। थैंक यू हमसे बात करने के लिए।